नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। महिला अधिकारी होते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला की संवेदनशीलता गत दिनों रूबी नामक महिला ने सुसाइड किया था। महिला अधिकारी को जब पता लगा कि उसकी 4 माह की छोटी बच्ची है, तब वो जांच में जुट गई कि 4 माह की बच्ची को छोड़कर एक माँ फांसी कैसे लगा सकती है। इसलिए उन्होंने परिजनों की बात सुनी, परिजनों के बयान लिए, जांच करी और उसमें अवैध संबंधों का खुलासा हुआ, जिसके चलते मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर तुरंत एफआईआर कर मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया। कुछ दिन पहले पवासा थाना क्षेत्र की महिला रूबी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा था कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है और एक 4 माह की बच्ची है। जब ही से थोड़ा सा मन में शंका थी कि एक माँ 4 माह के बच्चे को छोड़कर कैसे फांसी लगाई जाती है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, परिजनों को बुलाया, परिजनों ने भी अपने बयानों में उसके पति पर आरोप लगाया। कुछ फैक्ट्स ऐसे सामने आए जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के उसकी भाभी और एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते वो महिला रूबी काफ़ी परेशान रहती थी और जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या कारण रहा? जी, मेरी बहन के पति का उसकी भाभी और अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते वो मेरी बहन के साथ मारपीट करता था। रात को 11:30 बजे मेरी बहन ने मुझे फ़ोन लगा के बताया था कि ये ना सुधर रहे हैं, समझाने के बावजूद भी बिल्कुल इनमें चेंजेस नहीं आया है और ये मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं इन महिलाओं से इनको मिलने को मना करती हूँ तो ये मुझसे मारपीट करते हैं और कहते हैं तुझे रहना है तो रह वरना जा, चाहे जाकर मर। ये मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे, इसके चलते मेरी बहन बहुत परेशान थी और उसने ऐसा मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन लगा के बताया था।